प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 29 अप्रैल को होने जा रहा है, जहां प्रदेश में पहले चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान के लिए मतदान दलों की रवानगी की गई, जिसमें दूदू विधानसभा के मतदान केंद्रों के लिए जयपुर से मतदान दल रवाना किया गया। राजधानी के भवानी निकेतन कॉलेज से 269 मतदान दलों को मतदान किट के साथ भेजा गया और इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही अतिरिक्त 10% मतदान दलों को एसडीएम कार्यालय पर भेजा गया है और साथ ही संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मतदान करवाने के लिए वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी भी की जाएगी और इसकी पूरी व्यवस्था की गई। लोकसभा चुनाव में इस बार मतदान बढ़ाने के लिए आदर्श मतदान केंद्र और महिला मतदान केंद्र भी बनाए गए। वहीं महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाने और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया। वहीं अति संवेदनशील और मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई, ताकि मतदान केंद्रों पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। मतदान को देखते हुए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक बूथ पर एक सिपाही का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे भवन जिनमें 3 से ज़्यादा बूथ है, वहाँ पर अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट और किया गया है। संवेदनशील अति संवेदनशील पर उचित प्रबंधन माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार किया गया। इसके अतिरिक्त हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स की एक कंपनी भी है, जिसके हाफ सेक्शंस के अंदर हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। इसके अतिरिक्त पुलिस की मोबाइल पार्टीज और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफिसर्स की भी मोबाइल पार्टीज लगातार गश्त में हैं। इसके अलावा 3 फ्लाइंग स्क्वाड, 3 SST और 3 QRTs ये भी यहाँ पर लगातार गश्त करेंगी। सुपरवाइजरी ऑफिसर्स जो कि डिप्टी SP या सीनियर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, वो 3 इसमें लगाए गए हैं और इसके अतिरिक्त एक सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर जो एडिशनल SP रैंक हैं, वो भी यहाँ लगाए गए हैं। विधानसभा रिजर्व और जिला रिजर्व की भी व्यवस्था की गई है और कुल मिलाकर की पूरी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करवाए जाएंगे। दूदू में कुल 269 मतदान केंद्र हैं, उसके लिए हमने पार्टियां रवाना कर दी हैं और 27 अतिरिक्त 10% के हिसाब से हमने पार्टियां रवाना कर दी हैं। बहुत आसानी से एकल व्यवस्था के तहत हमने पार्टियां रवाना की हैं। प्रशिक्षण दिया गया है उनको, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई है उनको, जो आवश्यक नवाचार हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया गया है। बैलेट पेपर अकाउंट, EVM हैंडलिंग, ये सब उनको बता के और पार्टियों स्वस्थ मन से और अच्छे प्रसन्नचित्त होकर यहाँ से बहुत शीघ्रता से और सुगमता से गंतव्य स्थलों के लिए रवाना हो गई हैं। सभी पार्टियों के साथ पुलिस जाब्ता जो जाना था वो जिला SP हमारे पास खड़े हैं, इन्होंने डेप्यूट कर दिया वो सब, और उसी में सब में माइक्रो ऑब्जर्वर भी यहाँ पे 26 माइक्रो ऑब्जर्वर हैं वो भी सब साथ गए हैं। अब वो पार्टियां जाके अपना मतदान कराने के साज और उपकरण उनको दिए गए, वहां जाके अपना मतदान केंद्र स्थापित करें।